गनी दाढ़ी और मूंछ उगाने का असरदार उपाय क्या होता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आइया मंदिर, वेलकम टू माय चैनल। जिसकी भी बीएड नहीं आ रही, चाहे वो यंग बॉयज हो चाहे मैन हो, तो वो कोई सी भी ट्रीटमेंट यूज़ करने लग जाता है। जैसे कि आप कोई सा वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि बीएड कैसे उगाई जाती है, आपको इतना पता है, लेकिन आप आगे वीडियो नहीं देखते हो। इसका रीज़न ये होता है कि जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता चलने वाली होती है, वो आपको कहीं ना कहीं बीच में पता चल जाती है कि ये चीज़ लगाने से बीएड आ जाती है, लेकिन आप आधी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं छोड़ देते हो। उसका साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसको कितने दिनों तक यूज़ किया जाता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप छोड़ देते हो तो आपको पता नहीं चल पाता कि ये ट्रीटमेंट किस पर वर्क करेगा और किस पर ये वर्क नहीं करेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था EPM 400 विटामिन ई कैप्सूल से बीएड की ग्रोथ कैसे की जाती है, तो बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखा, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए मेरे को कमेंट कर रहा है, जबकि मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया। एक मैंने बताया कि पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम से बीएड कैसे उगाई जाती है, तो उस तरीके से भी लोगों ने मेरे पास कमेंट की सर इसको कब लगाना है कब नहीं लगाना, तो मैंने सब कुछ वीडियो में बताया। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी वीडियो देखें यूट्यूब पर किसी भी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आधी इंफॉर्मेशन जब आप देखोगे तो उससे आपका आधा ही सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा कौन सा सही ट्रीटमेंट होता है जिससे कि दाढ़ी वाकई में सच में उगाई जा सकती है? तो वो ट्रीटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, बट आपकी स्किन किस टाइप की है, आपकी बीएड में क्या प्रॉब्लम है, आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है या आपको कोई अदर प्रॉब्लम है जिससे आपकी बीएड या दाढ़ी नहीं आ रही, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बात का ध्यान आप जरूर रखें। अगर आप बीएड को लेके कोई से भी वीडियोस देख रहे हैं तो उसको पूरा ज़रूर देखें। अगर वो आपकी प्रॉब्लम से मैच कर रहा है तभी आप उस वीडियो का और उसमें जो बताए गए ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो मेन दो ही ट्रीटमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से माने जाते हैं, जो कि मैंने यूज़ किया, मैंने उनका रिज़ल्ट खुद अपनी आंखों से देखा, तो मैं आपको वो वीडियो बताने वाला हूँ। जब आपके हार्मोन्स लेवल डाउन होते हैं या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम आपके होती है, जैसे कि आपके फादर ग्रैंडफादर, उसके अकॉर्डिंग आपकी भी बीएड नहीं आती, अगर आपके फादर ग्रैंडफादर के नहीं आ रही तो उस हिसाब से आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी बीएड ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिससे आपके हार्मोन्स लेवल डाउन हो चुके, तो उसके हिसाब से आप EPM 400 विटामिन ई कैप्सूल खा सकते हो और उसको आपकी दाढ़ी पर लगा सकते हो। ये ट्रीटमेंट उनके लिए है। और जिसकी अदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पैची बीएड या फिर जो दाढ़ी ही नहीं आ रही या फिर दाढ़ी के बाल पतले हैं, उनको दाढ़ी के बाल काले घने मोटे करना है, तो उसके हिसाब से वो पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम का यूज़ कर सकता है। ये दोनों ही ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल होते हैं। आप अगर जिस भी बीएड ऑयल का यूज़ कर रहे हो या किसी और ने आपको बीएड ऑयल सजेस्ट किया है, तो आप उसका यूज़ करें, कम से कम 6 महीना उसका यूज़ करें। आप अगर कोई सा भी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको 6 से 7 महीना यूज़ करें। बीएड को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अगर ये सोचें कि हमारी 1 या 2 महीने में ही पूरी बीएड आ जाती है, तो ये इम्पॉसिबल होता है। जब भी जिसकी परफेक्ट बीएड होती है, अगर वो भी शेविंग करता है, तो उसकी भी बीएड की ग्रोथ होने में कम से कम 3 से 4-5 महीने तक लग जाते हैं। तो आप सोचो, आपको तो दोबारा उगाना है, यानी नए बाल आने में कितना टाइम लगेगा। और अगर आपकी दाढ़ी में ऑलरेडी बाल है, पतले बाल है, ब्राउन बाल है, या जैसे कि वो रूम वगैरह आती है उस टाइप के हेयर्स हैं, तो आप सोचो उनको ग्रोथ होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, सब्र भी होना चाहिए जब आप किसी ट्रीटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ईमानदारी से करें, टाइम से करें, और जो वीडियो में बताया उसको फॉलो करें, ना कि अपने ही हिसाब से कुछ करने लग जाए। ये अगर आप कर रहे हो तो आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दो, कितना भी आप ट्रीटमेंट यूज़ कर लो, कितने ही दिनों तक कुछ भी ट्रीटमेंट यूज़ कर लो, बट बीएड की ग्रोथ नहीं होती है। जो कोई भी वीडियोस बनाता है वो पूरा आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, कितने टाइम को यूज़ करना है, और इससे क्या साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, इससे क्या नुकसान होते हैं, तो सब कुछ आपको वीडियो में बता देता है। लेकिन आपको मेन इन्फॉर्मेशन पता चलती है, आप उस वीडियो को यानी बंद कर देते हो, तो आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हो। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बीएड को लेके, तो मुझे कमेंट जरूर करें। कमेंट करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं।
जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मुझे बताएं, मैं 100% आपसे बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।